मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं गजेंद्र ट्रांसपोर्ट का मालिक हूँ और करीब एक साल से आपका ट्रांसपोर्ट बुक यूज कर रहा हूँ। पहले क्या है, या एक्सेल पे बनाओ, अगर कंप्यूटर है तो एक्सेल पे हम लोग बनाते थे या फिर रजिस्टर पे लिखते थे। टोटल अंधेरे में चलता था, काम चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी कुछ नहीं पता। दिक्कतें यही आती थी कि भाई कौन सी पीओडी हमारे पास रिसीव हुई है, कौन सी नहीं हुई है, किस गाड़ी का हमने बिल सबमिट कर दिया है, किसका नहीं किया है, कौन सा ट्रिप कंप्लीट हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है। तो उसको देखते रहो, रजिस्टर छानते रहो। जब से ट्रांसपोर्ट बुक आया तो इजीली हो गया कि कोई भी चीज़ को देखना है, अगर कौन सी गाड़ी ने कितने ट्रिप लगाए या किस पार्टी से कितना बैलेंस लेना है, किस सप्लायर के साथ कितना पेमेंट देना है, तो एक क्लिक मिल जाता है इसमें। इसमें ये हमें पता लगता है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना हमारी बचत हो रही है। पहले ये नहीं था, कितना कमा रहे हैं ये भी पता नहीं था, कितना खर्च कर रहे हैं ये भी पता नहीं था, वो कितनी बचत कर पा रहे हैं वो भी पता नहीं था। मैं तो टोटल काम के लिए यूज करता हूँ, पार्टियों के लिए पेमेंट कर लेना, कलेक्शन या फिर सप्लायर्स को देना या किसी शॉप वाले को देना या ड्राइवर्स को देना, यार उसी पे देख के करता हूँ। एनी टाइम कहीं भी आप किसी का भी बैलेंस या किसी से लेना है या किसी को देना, वो एनी टाइम कहीं भी देख सकते हो। पेमेंट का फीचर्स भी बहुत अच्छा है, वो क्या ऑटोमेटिक ही उसमें अपडेट हो जाता है, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका एक और झंझट खत्म है कि जैसे मान लो किसी अकाउंट में ऐड करने में 1.5 घंटे, मैंने किसी कोई आधा घंटा लेता है, कोई 1 घंटा लेता है, कई बैंक ऐसी होती है कि अगले 24 घंटे में 50,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो इसमें सडनली आप ऐड करो और सामने वाले को पेमेंट कर दो। और दूसरी सुविधा इसमें यह है कि अगर एक बार आपने सप्लायर का या किसी ड्राइवर्स का अकाउंट ऐड कर लिया तो गलत जगह जाने से ही बचते हैं। मैंने जो अपना ट्रांसफ़र बैंक से करते तो कई अकाउंट ऐड होते हैं उसके अंदर, तो उस प्रॉब्लम से भी आपको रिजॉल्व मिल जाएगा डायरेक्ट अगर ऐप के थ्रू करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट बुक से करते हैं। तो मैंने तकरीबन 300 सॉफ्टवेयर हमने यूज करके छोड़ दिए, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं हुए, तो उसको छोड़ते हुए फिर हमें जी बहुत अच्छा लगा, कम कॉस्ट में, कॉस्ट भी इतना भारी नहीं है कि आपको कोई आप पे नहीं कर सकते इसको, कॉस्ट भी कम है, आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि ट्रांसपोर्ट बुक आप यूज करें, और हम इसकी सलाह देते हैं कि ट्रांसपोर्ट बुक सिक्योर, नो कमीशन और बहुत अच्छा फीचर्स है और बहुत सरल भी है कि जो आदमी उसको हर आदमी कर भी सकता है, पढ़े से पढ़ा और अनपढ़ से अनपढ़ भी कर सकता है उसको। देर ये एक बार में ही उसको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी कहाँ एंट्री करनी है। तो सबसे हमारा अनुरोध है कि आप इस ऐप को यूज करके एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू।